हाय गाइस, यू वाचिंग टेक्नो फिटनेस। आई एम उत्कर्ष। अरे कौन हो भाई, आप यहाँ कैसे आ गए हमारे स्टूडियो में? चल रहा है यहाँ पे? नहीं, वो तो कुछ भी चल रहा है, लेकिन आप कैसे आ गए? मैं तो बडिंग यूट्यूबर हूँ। मैं अभी क्या यूट्यूब की शूटिंग कर रहे हो यहाँ पे? ये तो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसकी शूटिंग कर रहे हैं हम लोग। मैं भी बडिंग यूट्यूबर हूँ, मैं नए अच्छा। वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे जो है। अभी आप देखना मेरा फ्लाइंग बीस्ट से भी जो है ना बड़ा चैनल बनने वाला है अभी। ओह, फ्लाइंग बीस्ट, ओहो क्या बात है। मैं बहुत ज्यादा फेमस होने वाला हूँ, आपको पता है। मैं भी यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ, अभी वीडियो इंस्टॉल, अभी ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगा। आप देखना मेरे फॉलोअर्स आप ज्यादा हो जाएंगे। फ्लाइंग बीस्ट अच्छी बात है, अभी हम शूट कर लें, प्लीज आप यहाँ से जाओ, है ना? प्लीज, मैं तो देखने आया था क्या कर रहे हो भाई, पता नहीं कहां से आ गए। Many months later. तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अरे छड़े, अरे फिर आ गए आप यार। क्या यार, अरे किसने दे रखा है इनको एक्सेस? ये बार बार कैसे घुस जाते हैं अंदर? अरे क्या हो गया? अरे मैं अंदर तो आ गया, लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है यार। वाह, ओ मैं ना जो यूट्यूब चैनल मेरा चल ही नहीं रहा है, वो व्यूअर्स 40 व्यू, 10 व्यू, 15 व्यू आ रहे हैं बस। अभी मैं क्या करूं बताऊं मेरे को। वाह, तो ऐसे काम करोगे तो आपको लोग बैन ही करेंगे। आप फेसबुक पे जाके कमेंट करते हो लोगों के, राइट? ये करते हो ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और व्हाट्सएप पे भेजते होगे मैसेज सबको, या फिर लोगों के वीडियो पे जाके नीचे कमेंट करते होगे, है ना? है ना? हाँ हाँ, वो पता है मुझे। तो ऐसा काम करोगे तो लोग आपको ब्लॉक ही करेंगे ना? आप सिखा दो मेरे को, बता दो यार मैं कैसे चलाऊंगा यूट्यूब चैनल, मेरे को भी चलाना है, बता दो यार। अच्छा ठीक है, तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है जो कि ये फेस कर रहे हैं, और आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एथिकली राइट वे में और लीगली राइट वे में आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकें यूजिंग गूगल एड्स, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टेड। Hi guys, you're watching Tech and Fitness. I am Utkarsh and welcome back to the channel. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, एंड उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। गाइस, मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था अबाउट गूगल एड्स, जिसमें हमने बात करी थी कि अगर आप अपने चैनल को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं तो क्या आपको उसका वॉच टाइम मिलता है या नहीं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में डाल दूंगा, तो इस वीडियो को जरूर यहाँ पे देख लीजिए। उस वीडियो में मुझे बहुत अच्छे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स मिले थे यार आप लोगों के, बहुत अच्छा फीडबैक आया था। मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतने अच्छे कमेंट्स थे यार। थैंक यू सो मच फॉर सच हार्ट वार्मिंग कमेंट्स। उन कमेंट्स में से कुछ लोग ऐसे थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि अगर गूगल एड कैंपेन हम क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे कर सके हैं, हमें नहीं मालूम है, बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है, अच्छे से हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि मैंने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए गूगल एड में पर फिर भी मुझे व्यूअरशिप नहीं मिल रही, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे, तो इसको कैसे किस तरह से करें। तो मैंने इसमें अपने कम्युनिटी टैब पे वोट भी किया था, एंड मेजॉरिटी वोट्स मुझे इसी के लिए मिले कि इस पर एक वीडियो बनाओ कि हाउ यू कैन प्रमोट योर यूट्यूब चैनल यूजिंग गूगल एड्स। तो मैंने सोचा चलो इसी बारे में बात करते हैं। गाइस, जब अपन गूगल एड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कन्फ्यूजन दिमाग में आता है, और बहुत लोगों से मैं यही सुनता हूँ कि यार कितना पैसा लगाया जाए। मतलब सबसे पहले कुछ किसी को मतलब नहीं है कि गूगल एड कैंपेन क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, इसमें किस तरह के हमें कीवर्ड्स यूज करने चाहिए, कैसे ऑडियंसेस हमें सेट करनी चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि पैसा कितना लगाएं। अब देखो यार, जो कोई पैसे वाली चीज है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मतलब यार ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आके या मैं आके आपको बोल दूं कि आप इसमें इतना पैसा लगाओ तो आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगाने को तो मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने एक एक दो दो लाख रुपए लगा दिए हैं एड कैंपेन में, फिर भी उनको सब्सक्राइबर्स या व्यूज नहीं मिल रहे हैं। एंड कई लोग मैंने ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ 500 से 1000 रुपए लगाते हैं एंड स्टिल उनको अच्छी खासी व्यूअरशिप मिल जाती है। तो गाइस, बजट की जहां तक बात आती है, दैट इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप 500 से 1000 रुपए लगाओ, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आपको 1 से 2 लाख रुपए लगाने की जरूरत है।
इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट, आप कितना इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो ये आप ही को सोचना होगा, ये आपको कोई थर्ड पर्सन आके नहीं बता सकता। अब दूसरी चीज आती है कि ठीक है, अगर हमें स्टार्ट करना है, हमें सीखना है कि किस तरह से हम एड कैंपेन क्रिएट कर सकें अपने यूट्यूब वीडियोज को प्रमोट करने के लिए, तो अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कभी, ऑफ कोर्स आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने कभी गूगल एड कैंपेन क्रिएट नहीं किया है अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कहीं ना कहीं 1200 से 1500 रुपए से स्टार्ट कीजिए। आप इससे कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप चाहें तो 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वैलिड, बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी आप 1200 से 1500 के बीच में या फिर 1000 रुपए के आसपास जो फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए, एंड देन उससे जो आपको लर्निंग्स मिलेंगी वो आपके फ्यूचर एड कैंपेन्स में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी, एंड तब आप अपना थोड़ा बजट इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बजट की, अब बात करते हैं कि कैंपेन एक्चुअल में क्रिएट करना कैसे है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर हम वीडियो डिस्कवरी एड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा था वॉच आवर्स वाला, तो आपको पता होगा कि तीन तरह के एड्स होते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, एक तो स्केपेबल एड्स, नॉन स्केपेबल एड्स और वीडियो डिस्कवरी एड्स। इस ट्यूटोरियल में हम वीडियो डिस्कवरी एड्स ही क्रिएट करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि यार स्केपेबल और नॉन स्केपेबल क्यों नहीं, तो आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं। देखिए गाइस, स्केपेबल और नॉन स्केपेबल एड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, आप कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते वक्त एक एड आ जाता है बीच में जिसमें नीचे एक ऑप्शन आता है कि स्किप इन 3 सेकंड्स, ठीक है, तो वो जो स्किप वाला होता है वो तो होते हैं स्किपेबल एड्स, तो मतलब वो ऐसे स्किपेबल इनस्ट्रीम एड्स होते हैं जो कि यूट्यूब किसी एक चैनल के यूट्यूब वीडियो के ऊपर दिखाए जाएंगे। दूसरे होते हैं नॉन स्किपेबल एड्स, वो कुछ ऐसे एड्स आपने देखे होंगे जब वीडियो स्टार्ट होता है उससे पहले एक एड आता है जहां पे आपको स्किप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाया जाता, मतलब आपको पूरा एड देखना ही पड़ता है, वो होते हैं नॉन स्किपेबल एड्स। देखिए ये दोनों ही एड्स हैं हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। इसका रीजन ऐसा है कि ये वाले जो एड कैंपेन्स हैं they are more optimized for brands that are selling their products or services. जैसे for example, आपका एक brand है, आप shoes manufacture करते हैं, मैं एक example ले रहा हूँ, random example ले रहा हूँ, आपकी एक shoes की company है, आपने shoes के brand को promote करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपने एक छोटा सा ad बनाया and then आप उसको YouTube पे दिखा सकते हैं किसी video के बीच में। लेकिन जब बात आ रही है YouTube चैनल की, हमारा गोल ये नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट की रीच बढ़ाएं या हम बताएं लोगों को कि हमारा ये फलाना फलाना प्रोडक्ट है, ये हमारा टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। हमारा टारगेट यहाँ पर ये है कि जब कोई बंदा YouTube पे आए और फॉर एग्जाम्पल आप म्यूजिशियन हैं, आप गिटार के, कीबोर्ड के, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, तो आप क्या एक ऐसे बंदे को ये वीडियो दिखाना चाहते हो कि जिसको म्यूजिक से कोई लेना देना ही नहीं है या जिसको म्यूजिक सीखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। उनको वीडियो दिखाने से तो आपका कोई फायदा होने नहीं वाला, ना ही वो आपको सब्सक्राइब करेंगे, ना ही वो आपका वीडियो पूरी तरह से देखेंगे। ऑन दी अदर एंड आप चाहोगे कि कोई ऐसा बंदा जो कि इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, जो ये सर्च कर रहा हो कि गिटार कैसे बजाते हैं, हाउ टू प्ले गिटार, ऐसी कोई कीवर्ड वो सर्च कर रहा हो, तो उस बंदे के लिए आपका वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर वहां पे हम उसको ऐड दिखाते हैं वो वाला, तो देर आर चांसेस कि वो आपका वीडियो भी पूरा देखेगा और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। यही रीजन है हम वीडियो डिस्कवरी एड्स का यूज करेंगे। अगेन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, वीडियो डिस्कवरी एड्स वो एड्स होते हैं जब आप कुछ सर्च करते हैं यूट्यूब पर, सर्च करते ही आपको ऊपर एक एड करके एक येलो सा दिखता है, वो वीडियो डिस्कवरी एड्स होते हैं। तो वही वीडियो डिस्कवरी एड हम इस ट्यूटोरियल में क्रिएट करने वाले हैं। अब कैंपेन कैसे क्रिएट करना है वो दिखाने के लिए मुझे अपने कंप्यूटर पर जाना पड़ेगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले गूगल एड कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल एड्स पे एक अकाउंट बनाना होगा। तो गूगल एड्स पे अकाउंट बनाने के लिए आप जस्ट गूगल पर जाकर सिंपली चेक कीजिए गूगल एड्स। यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट है ads.google.com, यहाँ पर आप जा सकते हो। नाउ अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है, गूगल एड्स अकाउंट अगर आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। बट अज्यूमिंग कि आपका अगर कोई गूगल एड्स अकाउंट आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं तो किस तरह से प्रोसेस होगा, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ, तो गेट स्टार्ट पर क्लिक करते ही आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट अपने गूगल अकाउंट, जो कि आपका गूगल अकाउंट मेन अकाउंट है जिस अकाउंट पे आपका यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट करता है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना गाइस। Whenever you are setting up your Google Ad campaign, आप हमेशा उसी अकाउंट से क्रिएट करना अपना Google Ads अकाउंट
जिस अकाउंट पे आपका YouTube चैनल भी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज जब आपकी गूगल एड्स टीम जब आप वेरीफाई करती है आपके अकाउंट को, तो वहां पे उनके लिए वो इजी हो जाता है जब आप जिस चैनल को आप प्रमोट कर रहे हैं उसी चैनल की ईमेल आईडी से आपका गूगल एड्स अकाउंट भी लिंक्ड हो। तो यहां पर मैं फटाफट लॉग इन कर लेता हूं अपने अकाउंट पे। तो लॉग इन करते ही फर्स्ट स्क्रीन जो आपको दिखेगी वो कुछ ऐसी होगी जहां पे ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट्स योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल। यहाँ पर हमें अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, जस्ट ट्रस्ट मी एंड व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर जो ये नीचे ऑप्शन दिख रहा है आर यू प्रोफेशनल मार्केटियर स्विच टू एक्सपर्ट मोड, तो आप यहाँ पर एक्सपर्ट मोड पर क्लिक कर दीजिए सिंपली। नाउ ऐसा करते ही आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जहाँ पर ये आप बोलेगा सेलेक्ट द गोल दैट वुड मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुल टू यू। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है वो है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। यू कैन स्किप एवरीथिंग एल्स। आप जहाँ अपन बात कर रहे हैं YouTube चैनल को प्रमोट करने की, आपके YouTube वीडियोस को प्रमोट करने की, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन को सिलेक्ट करना है, बिकॉज यहाँ पर हमारा गोल है कि हम लोगों को एनकरेज करें कि वो आपके YouTube वीडियोस को आकर देखें। तो यहाँ पर हम ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करते ही दो तरह के ऑप्शन हैं कि आप डिस्प्ले एड्स चाहते हैं या वीडियो एड्स चाहते हैं, क्योंकि हम अपना YouTube वीडियो प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वीडियो एड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे कैंपेन सब टाइप का ऑप्शन आ रहा है, इसको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इन्फ्लुएंस कंसिडरेशन उसी को सिलेक्टेड रहने दीजिए एंड देन कंटिन्यू। तो ये करते ही आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा अपना कैंपेन क्रिएट करने का, तो यहाँ पर अपने कैंपेन को नेम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है बिडिंग स्ट्रैटेजी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है मैक्सिमम CPV, और आप इसको इस केस में चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये क्या होता है बेसिकली CPV, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसिकली दो तरह की बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, या तो CPV जिसे कहते हैं कॉस्ट पर व्यू, या फिर CPM जिसे कहते हैं कॉस्ट पर मिले। यहाँ पर हमारे लिए CPV जो स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज जो CPV स्ट्रैटेजी होती है वो कोई एक यूज़र जब आपके वीडियो को कम से कम 30 सेकंड तक देखता है तो वो उसको एक व्यू काउंट करता है, एंड आपको पैसा जब भी पे करना पड़ता है जब कोई यूज़र आपके वीडियो को देखता है या आपके वीडियो को व्यू करता है। ऑन दी अदर हैंड जो कॉस्ट पर मिले स्ट्रैटेजी है, जिसे CPM शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इस केस में क्या होता है कि इस केस में आप पर 1000 व्यूज़ के लिए पे करते हैं, लेकिन वहाँ पर फ़र्क इतना है कि वो 1000 व्यूज़ अब कहने को तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रीच मिल जाएगी, CPV की रीच थोड़ी कम होगी, CPM की रीच ज़्यादा होगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो CPM बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो ये नहीं देखती कि कितनी देर तक यूज़र आपके वीडियो को या आपके लिंक को चेक कर रहा है। तो इवन इफ अगर यूज़र ने आपके वीडियो लिंक को सिर्फ क्लिक किया है तो भी वो एज अ व्यू काउंट कर लेगा, और जैसे ही 10 लोग उसको क्लिक करते हैं वो आपके पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोग हमारे वीडियोस को देखें एंड देन दे डेवलप इंटरेस्ट इन आवर चैनल। तो यहाँ पर मैक्सिमम CPV स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगली चीज़ आती है बजट्स एंड डेट्स, जहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना हम इस टोटल कैंपेन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने बात करी थी स्टार्टिंग के लिए आप 1000, 1200 या 1500 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 1000 फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। दूसरी चीज़ आती है सेलेक्ट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। नाउ यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारा जो एड कैंपेन है वो ज़्यादा टाइम के लिए चले। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इस, क्योंकि आप पैसा कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप चाहेंगे इस कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके, तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इस कैंपेन को चलाएं, ताकि जो गूगल एड्स की जो एल्गोरिदम है वो आपकी ऑडियंस को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग एड्स को सर्व करे। अगर आप इसको छोटे ड्यूरेशन के लिए रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझे बोलेगा कि यार आज, जैसे फॉर एग्जांपल आज 26 अगस्त है जिस डेट को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने 26 अगस्त को एक एड कैंपेन क्रिएट किया और मैं उसको एंड कर देता हूँ लेट्स से 29 या 30th अगस्त को, तो शायद मुझे ज़्यादा व्यू मिल जाएंगे। 1000 रुपये में 4 दिन के लिए अगर एड सर्व होगी तो मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे। मे बी आपको ज़्यादा रीच मिल सकती है, आपको ज़्यादा व्यूज़ भी मिल सकते हैं, बट देन अगेन हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेना नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें, जो हमारा चैनल जिस टॉपिक पे हम वीडियोस बनाते हैं उस तरह के लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ें, ये हमारा मेन गोल है। तो दैट इज़ वाई हम चाहेंगे यहाँ पर कि हम इसको कैंपेन का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई वुड
प्रॉबली क्रिएटेड फॉर एटलीस्ट 20 to 30 days, ताकि गूगल एड्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके, गूगल एड्स की एल्गोरिदम को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके हमारी ऑडियंस को, हमारी टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए, एंड उस अकॉर्डिंग वो एड्स को सर्व कर सके। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा फॉर एग्जाम्पल 22 September। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको साइड में अपने कैंपेन एस्टीमेट्स दिखा रहा है, जो कि बता रहा है कि आपके जो कैंपेन सेटिंग्स है उस सेटिंग्स पर बेस्ड आपको कितने आपके पास पोटेंशियल इंप्रेशंस हैं। यहाँ पे ये किसी तरह से ये मीन नहीं कर रहा है कि आप इतने पैसे लगा के आपको इतने इंप्रेशंस आपको मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए नेटवर्क्स। तो अगेन, जैसा हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम यहाँ पर एक YouTube वीडियो डिस्कवरी ऐड बनाना चाहते हैं जो कि हमारे कीवर्ड सर्च पे वर्क करे, ना कि स्किपेबल या नॉन स्किपेबल एड्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम YouTube वीडियोस को डिसलेक्ट कर देंगे, जो कि ऑटोमेटिकली वीडियो पार्टनर्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क को भी डिसलेक्ट कर देगा। हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब सर्च रिजल्ट पे वर्क करने वाले हैं। ओके, अब अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है लैंग्वेजेस। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं ऑल लैंग्वेजेस को भी रहने दूंगा, बट फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो बना रहे हैं तमिल लैंग्वेज में या बंगाली लैंग्वेज में या फिर किसी और लैंग्वेज में, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपकी ऑडियंस है, जो कि आपके टारगेट ऑडियंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको अभी ऑल लैंग्वेजेस रहने देता हूँ। अगला ऑप्शन आता है लोकेशंस। तो आई बिलीव जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं इंडिया में से स्पेसिफिकली, वो इंडियन स्पेसिफिक ऑडियंस ही हैं, तो मैं यहाँ पे इसको इंडिया ही रहने दूंगा। बट फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया, इफ़ यू आर फ्रॉम समवेयर एल्स एंड यू आर क्रिएटिंग दिस वीडियो टू टारगेट द ऑडियंस ऑफ योर पर्टिकुलर लोकेशन, तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगली चीज़ है कंटेंट एक्सक्लूजन। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप अगर बिगिनर हैं तो इसको जस्ट जो स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है उसे ही सिलेक्टेड रहने दीजिए। यहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शन में कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगला ऑप्शन है क्रिएट योर एड ग्रुप। नाउ ये एड ग्रुप क्या चीज़ है? बेसिकली एक कैंपेन में आप मल्टीपल वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं सिर्फ एक ही एड ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस एड ग्रुप का मैं अगेन नाम दे देता हूँ। अगली चीज़ आती है डेमोग्राफिक्स और ऑडियंसेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, डू नॉट स्किप दिस वन। जो आने वाले थोड़े दो तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात आती है डेमोग्राफिक्स की। नाउ दिस सेटिंग एक्चुअली अलाउज यू टू ऑप्टिमाइज योर एड्स बेस्ड ऑन जेंडर, एज, पेरेंटल स्टेटस या हाउस होल्ड इनकम ऑफ व्यूअर्स। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो बनाया है How to create nail art, तो चांसेस आर आपकी जो मेजॉरिटी व्यूअरशिप होगी वो फीमेल ऑडियंस ही होगी, तो इट वुड मेक सेंस दैट यहाँ पे आप मेल को अनसेलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि जो यूजर्स, जो व्यूअर्स जो आपकी एड को देख रहे हैं वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आपके साथ जुड़ें, तो उस केस में आप यहाँ पे जेंडर को टारगेट कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। सिमिलरली आप एज, पेरेंटल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑडियंसेस। तो अगेन, जैसा मैंने बताया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करूँ म्यूज़िक, तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास ऑप्शंस हैं ऑडियो एंड म्यूज़िक सॉफ्टवेयर, प्रो म्यूजिशियन एंड डीजे इक्विपमेंट, वीडियो, कंट्री म्यूज़िक फैंस, फोक एंड ट्रेडिशनल म्यूज़िक एंथूजियास्ट। तो जिस तरह का आप वीडियो बना रहे हैं उस तरह की ऑडियंस आपको यहाँ पे गूगल एड्स ऑप्शन देता है कि आप सेलेक्ट कर सकें, ताकि ऐसे व्यूअर्स जो कि इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं उन्हीं को आपका ऐड दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने ऑडियंस को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्टेंट। नाउ ऑडियंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है वो आती है कीवर्ड। तो गाइस, ये जो कीवर्ड है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ बिकॉज ये कीवर्ड ही ऐसी चीज़ है जो या तो आपके एड कैंपेन को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है या उस एड कैंपेन को बिल्कुल फ्लॉप कर सकती है। जी हाँ गाइस, अब आप सोचोगे कि यार कीवर्ड्स की लिस्ट कैसे बनाएं, कैसे ढूंढें कि कौन से कीवर्ड हमारे चैनल के लिए, हमारे वीडियो के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो उसके लिए देर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस जो आप यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली vidIQ, जो कि एक थर्ड पार्टी प्लगइन है, YouTube सर्टिफाइड प्लगइन है, वो यूज करता हूँ। उसका कीवर्ड इंस्पेक्टर टूल जो कि बहुत ईजी कर देता है मेरे लिए सर्च करना कीवर्ड्स को। लेकिन vidIQ वैसे तो फ्री टूल है, लेकिन उसकी इस फीचर को यूज करने के लिए आपको उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है।
सिमिलरली एक ट्यूब बडी भी एक ऐसा प्लगइन है और ऐप है जो आप यूज कर सकते हैं। उसका एक SEO टूल होता है जहां पर आप अपने आप कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, उस कीवर्ड के लिए अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टैग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बट अगेन अगर आपको अपने चैनल स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स देखने हैं उस कीवर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग, देन उस केस में आप ट्यूब बडी का भी एक पेड सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों सॉल्यूशन नहीं लेना चाहते तो एक फ्री सॉल्यूशन भी है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जस्ट मेक श्योर कि आपने अपने गूगल अकाउंट में बिलिंग इन्फॉर्मेशन सेट कर ली है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन सेट करने के बाद आप गूगल पे इस तरह से सर्च कर सकते हैं कीवर्ड प्लानर, ये वाला जो लिंक है हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपने डिजायर्ड कीवर्ड जो कि आप सोच रहे हैं अपने वीडियो के लिए या आपका जो टॉपिक से मिलते जुलते कीवर्ड हैं उन्हें यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। देन हमारा गोल यहाँ पे क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने कॉम्पिटिशन कितना हाई है और वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम कितना रहा है लास्ट मंथ में। गोल हमारा ये रहेगा कि कॉम्पिटिशन कम से कम हो और सर्च वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो, बिकॉज उस केस में ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो वीडियो है वो एड में दिखाई जाएगा। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। अब अगली चीज आती है यहाँ पर टॉपिक्स की। तो अगेन जैसे हमने बात करी कीवर्ड्स की या फिर ऑडियंस की, तो आप यहाँ पे सिमिलरली आप टॉपिक सेलेक्ट करके भी अपनी एड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर वीडियो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो यहाँ पे मैं आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट टॉपिक सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरा अगर ब्यूटी एंड फिटनेस से रिलेटेड है मैं ब्यूटी एंड फिटनेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकता हूँ। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस टॉपिक पे आपका वीडियो है उस तरह से आप अपने एड कैंपेन को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लीजिए। अगला यहाँ पे प्लेसमेंट्स आता है। तो यहाँ प्लेसमेंट्स में हमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ये जनरली स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल एड्स के लिए ही होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बिडिंग का। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम CPV बिड सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये बिड क्या चीज़ है, ये बिड बेसिकली ये बताता है कितना हाइएस्ट अमाउंट आप पे करना चाहते हो जब कोई व्यूअर आके आपके वीडियो पे क्लिक करता है, आपके वीडियो को व्यू करता है, उस पर आप हाइएस्ट अमाउंट कितना पे करोगे वो यहाँ आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 2 रुपये डाल देता हूँ तो ये गूगल एड्स को क्या बता रहा है कि मैं मैक्सिमम पर व्यू के लिए 2 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके हर व्यू पे 2 रुपये कटेंगे, आपके किसी व्यू के लिए 50 पैसे कट सकते हैं, किसी व्यू के लिए 1 रुपये कट सकते हैं, किसी व्यू के लिए 2 रुपये भी कट सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। नाउ लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है सेलेक्ट योर YouTube वीडियो। तो यहाँ पर आपको वो YouTube वीडियो डालना है जिसको आप यहाँ पे प्रमोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने ही चैनल के एक वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जो कि एक ट्रैवल व्लॉग था। बाय द वे अगर आपने इस ट्रैवल व्लॉग को अभी तक नहीं देखा है तो जाके फटाफट देख लो यार, अपनी ही वीडियो में अपना प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। एनीवेज ओके, तो अब ये जैसे ही आप यहाँ पे लिंक डालोगे तो ये आपको यहाँ साइड में दिखाएगा कि किस तरह से आपका ऐड दिखेगा। आप दोनों व्यूज़ में स्विच कर सकते हो, मोबाइल या डेस्कटॉप व्यू। इसका मतलब ये है कि जब कोई यूज़र मोबाइल में आकर आपके ऐड आपके कीवर्ड को सर्च करता है और आपका अगर ऐड वहाँ पे शो होता है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप डेस्कटॉप व्यू सेलेक्ट करोगे तो आपका ऐड कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे अगर यहाँ पर आप एक बहुत ही कैची सी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, दैट्स इट। यहाँ पे मेरे पास एडिशनल ऑप्शन ये भी है कि मैं कोई थंबनेल सेलेक्ट कर सकूँ, वीडियो में से ही कोई एक थंबनेल, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट थंबनेल है वो दिखा रहा है अभी, बट मैं चाहूँ तो कोई और थंबनेल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी इस केस में मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। एंड लास्ट में आप यहाँ पर अपने कैंपेन पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्रिएट करोगे आपका एड कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से कैंपेन क्रिएट कर अपने यूट्यूब वीडियोज़ को प्रमोट कर सकते हैं। अब हो सकता है बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद या फिर शायद वीडियो देखे बिना ही ऐसा बोल दें कि यार अगर ऐसा इतना सिंपल है और इतने कम पैसे में हम इतने व्यूअर्स ला सकते हैं, सब्सक्राइबर्स ला सकते हैं, तो तेरे सिर्फ 2500 सब्सक्राइबर्स क्यों हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने बहुत सारे ऐड कैंपेन्स क्रिएट किए हों। मैंने कुछ ऐड कैंपेन्स टेस्ट के लिए क्रिएट किए थे, मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी करी थी इसमें, थोड़ा मुझे SEO और मार्केटिंग के बारे में थोड़ी नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलता हूँ, हाँ बट मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार वो नॉलेज आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो दैट डजंट मीन्स कि यार मैं अपने चैनल को प्रमोट करता हूँ, मेरे अगर कम व्यूअर्स हैं तो मैं आपको गलत नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बाकी आपकी जो मर्जी, आप जो सोचना चाहो सोच सकते हो। ऑलराइट गाइस, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार पूरा वीडियो देख लिया फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब हद होती है यार, हद होती है, मतलब
हद होती है। कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे दोनों ही प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर का हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, बट अंटिल देन इट्स बाय बाय।